हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल इंग्लिश स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, ये 30 नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है एंड विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ सपोर्ट मी। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन, हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन, किसने कहा था शेक्सपियर को, किसने स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा था? तो बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, हु कॉल शेक्सपियर ए ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन, हु कॉल शेक्सपियर्स ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन, व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा इसका, आंसर करेंगे क्या होगा आंसर? ये कहा था वोल्टायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, हूज रिमार्क इज दिस आर द कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रियली मैड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी, आंसर करिएगा क्या होगा आंसर? ये रिमार्क किसका है, व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ओस्कार वाइल्ड या विल्डे, जो भी प्रोनंसिएशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिटन अ स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच, हु हैज रिटन अ स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एस, व्हाट विल बी आंसर, आंसर करेंगे इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? ओस्कर विल्डे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, हूज रिमार्क दिस इज दिस, ये रिमार्क किसका है? व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, आंसर क्या होगा इसका, आंसर करेंगे क्या उसका आंसर होगा? तो डी एच लॉरेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज बुक इज विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड बाई ओ यू पी इन 2015, क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी आंसर, इसका आंसर करेंगे? तो इसका आंसर होगा स्टैनले वेल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टैनले वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरिस रजिस्टर स्टेटफोर्ड अपॉन एवन रिकॉर्ड्स द बैप्टिज्म ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 इन होली ट्रिनिटी
चर्च ऑफ गुलिलमस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर विलियम सन ऑफ जॉन शेक्सपियर स्टैनले वेल्स इट इज रिटन इन डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ फिल करना है बिकॉज दिस वॉज द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम फिल इन द ब्लैंक्स किससे फिल करना है आंसर करेंगे इसका ऑप्शन देख लें इंग्लिश ग्रीक लैटिन नन ऑफ दिस व्हाट विल बी आंसर क्या होगा आंसर तो इसमें क्या फिल करेंगे तो इसमें फिल करेंगे लैटिन क्या फिल करेंगे लैटिन ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर एट विच प्ले इज डायरेक्टेड बाई ई एल के जी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विच प्ले इज डायरेक्टेड बाई ई एल काजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा व्हाट विल बी आंसर आंसर करेंगे किंग लियर वीनस एंड एडोनिस मेजर फॉर मेजर एज यू लाइक इट व्हाट विल बी आंसर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन क्या होगा आंसर तो इसका आंसर होगा किंग लियर ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ विशाल भारद्वाज विच वन ऑफ विशाल भारद्वाज जिस रिसेंट मूवी इज द adaptation of Shakespeare's play Macbeth क्या होगा आंसर इसका आंसर करेंगे तो ये मकबूल फिल्म है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2007 एलिक्यू पदमसी प्रेजेंटेड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इट इज व्हाट विल बी आंसर एज यू लाइक इट जूलियस सीजर मैकबेथ नन ऑफ दिस व्हाट विल बी आंसर आंसर इज मैकबेथ ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर इंक्लूडेड इन शेक्सपियर्स क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू ऑर्डन एडिटेड बाय एम ईस्टमैन एंड जीबी हरिशन व्हाट विल बी आंसर विक्रम चोपड़ा KRS लैंगर नारायण मेनन एस सी सेनगुप्ता व्हाट विल बी आंसर आंसर क्या होगा इसका आंसर करेंगे तो क्या होगा आंसर इसका होगा आंसर होगा SC सेनगुप्ता ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दीज टू वर बैनिस्ड बाय द एम्परर द सन आस्क फादर वेल फादर हाउ डू यू प्रपोज टू पास दीज लॉन्ग 12 weary years The father says, I shall watch the beauty of the sea. And then he asks his son how he would like to spend the time.
एंड द सन रिप्लाइज एंड द सन रिप्लाइज आई शैल रीड द प्लेस ऑफ शेक्सपियर हु आर दीज टू पर्सन्स ये दो पर्सन कौन से हैं आंसर करेंगे टेनिसन एंड हिज सन विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन पार्ट विल बी आंसर पार्ट विल बी आंसर तो आंसर नेक्स्ट है बेन जॉनसन एंड हिज सन नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा विक्टर ह्यूगो एंड हिज सन ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है हु रोट द व्हील ऑफ फायर 1930 हु रोट द व्हील ऑफ फायर 1930 ए सी ब्रैडली विल्सन नाइट कार्लटन नन ऑफ दिस व्हाट विल बी आंसर इसका आंसर करेंगे नन ऑफ दिस सॉरी क्या होगा इसका आंसर विल्सन नाइट क्या होगा आंसर विल्सन नाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे हु इम्पैथेटिकली सेज दैट ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज शेक्सपियर्स फर्स्ट एंड इंडीड ओनली कंप्लीट वर्क क्वेश्चन फिर देखें हु इम्फैटिकली सेज दैट ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज शेक्सपियर्स फर्स्ट एंड इंडीड ओनली कंप्लीट वर्क क्या होगा आंसर इसका आंसर करेंगे ऑप्शन देखें ऑप्शन पढ़ें क्या होगा आंसर तो इसका आंसर होगा क्या होगा आंसर तो इसका आंसर होगा जे एम रॉबर्टसन ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ऑल दैट वी नो ऑफ शेक्सपियर इज दैट ही वाज बॉर्न एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवन मैरिड एंड हिज चिल्ड्रन देयर वेंट टू लंदन वेयर ही कमेंस्ड एक्टर एंड रोट प्लेस एंड पोइम्स रिटर्न्ड ऑफ स्टेटफोर्ड मेड हिज विल एंड डाइड डेड दिस मे बी ए वेरी शॉर्ट बायोग्राफी दिस वॉज रिटन बाई वन ऑफ द एडिटर्स ऑफ शेक्सपियर इन द 18th सेंचुरी इन अ कंप्लेनिंग वे हु इज द एडिटर तो एडिटर कौन सा है आंसर करेंगे इसका इसको इस क्वेश्चन को देख लें अच्छी तरीके से इसका आंसर करेंगे क्या होगा आंसर तो इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीवेंस इस क्वेश्चन को पॉज करके या इसको रोक के इसको ढंग से देख लें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 ही क्लेम्स टू हैव रिटन द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर दिस वाज prefixed to his edition of the play 1709 he is वह है कौन है वह बेन जॉनसन जॉर्ज स्टीवेंस निकोलस रॉ नन ऑफ दिस व्हाट विल बी आंसर प्लीज आंसर करें क्या होगा आंसर What will be answer? Answer क्या होगा इसका आंसर होगा निकोलस राव नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन ही वाज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट
क्वेश्चन अगेन, फिर देखें, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ एंड द फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। इनकी माँ का नाम मैरी ऑर्डन था और पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। ही वाज बॉर्न, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वाज बॉर्न 23 अप्रैल 1564 एट, कहाँ हुआ था? पार्ट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर होगा बॉर्न ऑन, इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, ये स्कूल किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे, शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, व्हाट विल बी आंसर? आंसर देखेंगे क्या होगा, किस नाम से ये स्कूल किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे, किस नाम से जाना जाता है? द किंग्स न्यू स्कूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वाल्टर रोच, साइमन हंट एंड थॉमस जैंकिंस आर द मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। वाल्टर रोच, साइमन हंट एंड थॉमस जैंकिंस आर द मास्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद। क्या होगा आंसर इसका? आंसर करेंगे तो इसका आंसर होगा द किंग्स न्यू स्कूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइट, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स? आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन, शेक्सपियर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वाज नॉट इवन अ ब्राइट। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, एक्टर, यानी प्ले राइट होने के साथ साथ वो एक्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लेम्ड दैट, किसने दावा किया है कि शेक्सपियर्स डैड ए पैपिस्ट, शेक्सपियर डैड ए पैपिस्ट, व्हाट विल बी आंसर? किसने क्लेम किया है? आंसर करेंगे इसका तो इसका आंसर होगा रिचार्ड डेविस अ क्लर्जीमैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री, इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, ही अटर्ड दीज वर्ड्स इन वन ऑफ दिस लेक्चर ऑफ हिज लेक्चर्स, हु इज ही, वह लेक्चर कौन सा है जिसने ये वर्ड कहे हैं? बेन जॉनसन, फ्लेचर, बेकन या कार्लाइल, व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा
तो इसका आंसर होगा कार्लाइल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, टू व्हाट डू ए क्वार्टो, टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स ओरिजिनली रिफर, क्या होगा आंसर, व्हाट विल आंसर, आंसर करेंगे इसका, ऑप्शन देखें, आंसर करें, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा साइज ऑफ द वर्क, साइज ऑफ द वर्क। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट इसलिए लगाते चले जा रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि ये इनकी इमेज आपकी माइंड में बैठ जाएगी और आपकी ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स अपीयर्स, व्हेन डिड द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, आंसर होगा, बोले आंसर करिएगा इसका, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा 1632, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर्स ये कब आया था, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड, क्या होगा आंसर, आंसर करेंगे इसका, तो इसका व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड, यानी थर्ड फोलियो कब पब्लिश हुआ था, शेक्सपियर का थर्ड फोलियो कब पब्लिश हुआ था, आंसर करेंगे तो 1663, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, आंसर करेंगे इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, किस सन में थर्ड फोलियो और एंड फोर्थ फोलियो एंड लास्ट फोलियो अपीयर हुआ था, बताएंगे क्या होगा आंसर, तो आंसर इज 1685, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑदर ऑफ बुक ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स, हु इज द ऑदर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स, आंसर करेंगे इसका, क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा ए डब्ल्यू पोलार्ड। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन, पेर्सी सिम्पसन हेल्जी कॉकरिच ई बिल्लो बाई एडवर्ड माउंडे फिलिप विलियम्स एंड कार्लटन हिनमैन आर सम नेम्स एसोसिएटेड विद दियर कंट्रीब्यूशन टू, आंसर करेंगे इसका, क्वेश्चन फिर से देखें, पेर्सी सिम्पसन हेल्जी कॉकरिच ई विलोप बाई एडवर्ड माउंडे फिलिप विलियम्स एंड कार्टन हेमंस हिनमैन आर सम नेम्स एसोसिएटेड विद द विद दियर कंट्रीब्यूशन टू, क्या होगा आंसर, इसका आंसर करेंगे, तो आंसर होगा वर्ड्सवर्थ स्कॉलरशिप।
ठीक ठीक सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर होगा इसका शेक्सपियर, सॉरी शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप, शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप, इसको देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हुज एसे इज, हु रोट हेनरी थर्ड, सॉरी हु रोट हेनरी एट्थ। क्वेश्चन फिर से देखें, हुज एसे इज हु रोट हेनरी फिफ्थ, क्या होगा आंसर इसका, आंसर करेंगे। फिर से देखें, हुज एसे इज हु रोट हेनरी एट्थ, आंसर करेंगे इसका, तो इसका आंसर होगा जेम्स स्पैडिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द एसे ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल इजी एज ए इमिटेबल एज ए इट इज रिटन बाय, इट इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है थॉमस डी क्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु कंप्लेन अबाउट शेक्सपियर्स लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। यू मैनी फाइंड मैन सीन इन सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजडीज, किंग लियर फॉर इंस्टेंस, वेयर द लैंग्वेज इज सो आर्टिफिशियल, सो क्यूरियसली टॉर्टर्स टॉर्टर्ड एंड सो डिफिकल्ट दैट एवरी स्पीच हैज़ टू बी रीड टू और थ्री टाइम्स बिफोर इट्स मीनिंग कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड। व्हाट विल बी आंसर, ऑप्शन देखेंगे इसके, ऑप्शन देखें, वर्ड्सवर्थ, कार्लाइल, मिल्टन, मैथ्यू अर्नॉल्ड, व्हाट विल बी आंसर, तो आंसर इज होगा, इसका आंसर क्या होगा, मैथ्यू अर्नॉल्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इनको फ्रेंड्स वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा और इनको पॉज करके इसको देखते जाइए, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो सके, और अगर याद ना हो सके तो इनको वीडियो को कम से कम 3 बार वॉच करिएगा, 100% याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर इस और वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले राइटर के साथ।